नमस्कार, मैं प्रीक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर जिले के बंडा मंदिर के पास अवैध शराब बिक्री रोकने के लिए ग्राम धबौली के ग्रामवासियों ने एकत्रित होकर अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। ट्रैक्टर में बैठकर आए ग्रामवासियों का आरोप है कि कुछ लोग गांव के मंदिर के पास अवैध शराब बेचते हैं, जिससे ग्रामवासियों को काफी परेशानी होती है। ग्रामवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि शीघ्र ही गांव में अवैध शराब की बिक्री बंद कराई जाए। सागर बंडा से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। गाली देता शंकर, रात और दिन गाली देता है और मंदिर में नहीं जान दे रहा। पीड़ी उखाड़ का क्या करो, लड़की बिटिया की, दोनों लड़के उसके अड़बो पत्नी धमकाऊ थे आग लगा के मार के सबको बता देंगे। शुरू से बताओ शंकर, हमारे यहाँ गांव में खीर माता का मंदिर बना हुआ है, उस पे शंकर पटेल आवे रूप से यहाँ फोन आया है कि तुम घर गाली दे रहा हो, लड़का गेट तोड़ रहा है, ताला तोड़ा, हाँ धर्मशाला बनी हुई है वहाँ का ताला वाला तोड़ दी। सर आज कोई ज्ञापन दिया है धबौली के लोगों से, कोई व्यक्ति गाली गलत करता है वहाँ परेशान कर रहा है मंदिर परिसर में, क्या घटनाक्रम? अब हमने ले लिया उसमें दो तीन चीजें हैं महत्वपूर्ण, जैसे मंदिर का हमें बाधा डाल रहा है, शराब बेचता है, पेड़ काट दी, तो अभी हम बेच के यादव साहब को भिजवा दे तो तस्दीक कर दिया थी और उसमें जो है इनको चालू हो गया ले देंगे। घटना भी सही है, कभी कटता है पहले हो जाएगी। यह की आवेदन ग्राम धबौली के निवासी है तथा गांव में अवैध रूप से शराब का धंधा करते हैं तथा शराब पीकर गांव में उत्पात मचाते हैं। विगत कुछ वर्षों से अनाविदर ग्राम धबौली खेर माता मंदिर का मंदिर बना हुआ है, अभी गांव के लोगों द्वारा मिलकर मंदिर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसे अनावेदकगण कार्य को करने नहीं दे रहे हैं एवं मंदिर पर अवैध रूप से अपना कब्जा करना चाह रहे हैं। विगत कुछ दिनों से अनावेदकगणों द्वारा अत्यधिक ही उत्पात किया जा रहा है, जिस पर से गाँव के लोगों द्वारा अनावेदकगणों को समझाए अनावेदकगणों को समझाया गया, परंतु अनावेदकगण गाँव के लोगों को ही मारा है।